Hello everyone and welcome to my channel Miraki YouTube. Friends, in this video, we'll be discussing the previous year questions on the topic of evolution of public administration. UGC-NET के last 10 years में evolution of public administration से जितने भी questions आए हैं, उनको हम discuss करेंगे इस video के अंदर. आप साथ साथ check कर सकते हैं कि आपको ये आपका ये topic clear है कि नहीं है. I will be giving the explanations of the questions और आप साथ साथ देख सकते हैं कि आपको वो question आता है कि नहीं आता है. So let's begin. So question number one is, public administration has become an academic discipline in its own right after the writings of A. Woodrow Wilson, B. Machiavelli, C. Aristotle, D. Cotillia. तो ये बहुत easy question है, सबको ही पता है कि किसकी writings के बाद public administration एक अलग से खुद का subject consider किए जाने लगा. The answer is A. Woodrow Wilson. तो वुड्रो विल्सन जो थे वो यूएसए के प्रेसिडेंट थे. ही इज आल्सो रिगार्डेड एज फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. इन्होंने 1887 में एक एसे लिखा था और जिसके बाद से जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी एक अलग से डिसिप्लिन की तरह शुरुआत हो गई. तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल एमर्ज्ड एज अ डिसिप्लिन इन, कहाँ पे एमर्ज हुआ? ए ग्रेट ब्रिटेन, बी यूएसए, सी वेस्ट जर्मनी, डी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज. तो मैंने अभी भी बताया कि वुड्रो विल्सन का जो एसे था उससे स्टार्ट हुआ था और वो प्रेसिडेंट थे किसके? यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. यहाँ पे आपको ये बताना चाहिए कि यहाँ पे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं. इससे पहले भी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर स्टडी की गई थी, स्टार्टिंग में जर्मनी से स्टार्ट हुआ, ऑस्ट्रिया में भी इस पर काम किया गया, लेकिन एज अ सेपरेट डिसिप्लिन की अगर हम बात करें वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्टार्ट हुआ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वुड्रो विल्सन्स आर्टिकल द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज पब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल इन द ईयर 1887. 1887 में कौन सा जर्नल था जिसके अंदर वुड्रो विल्सन के जो आर्टिकल था, जो एसे था, वो पब्लिश किया गया था? ए पॉलिटिकल साइंस, बी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सी पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली, एंड डी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू. सो इसका आंसर है सी पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली. ये वो जर्नल था जिसके अंदर इनका जो एसे था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिश किया गया था 1887 में. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is, arrange the following stages in the evolution of public administration in sequential order. बहुत बार आ चुका है अलग अलग फॉर्म में, तो ये आपको आना चाहिए. Let's see the options. Number one, golden era of principles. Number two, period of challenges and criticisms. Number three, period of dichotomy. And number four, period of crisis of identity. तो जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को evolution को पढ़ते हैं तो उसमें basically हमारी five stages आती हैं. Number one is पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकॉटमी, जो कि स्टार्ट हुई वुड्रो विल्सन के एसे से, जिसमें वो कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलग अलग है, अलग अलग ब्रांचेस हैं. तो फर्स्ट इसमें हमारा क्या हो गया? पीरियड ऑफ डाइकॉटमी, ठीक है. तो थर्ड आ गया हमारे सबसे पहले. सेकेंड इज प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1927 से लेकर 1937 तक है. इसके अंदर वो क्या बोलते हैं कि कुछ यूनिफॉर्म, कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं जो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, कहीं पर भी हो, वहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं, जिस उन प्रिंसिपल से हम एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हैं, ठीक है. तो सेकंड हमारा कौन सा हो गया? गोल्डन एयर ऑफ प्रिंसिपल्स, ऑप्शन नंबर वन, फर्स्ट ऑप्शन जो है. इसके बाद जो थर्ड स्टेज आई हमारी वो थी एयर ऑफ चैलेंज 1938 से लेकर 1947, जिसके अंदर हमारे जो ह्यूमन रिलेशंस थियरी है वो आई, बिहेवियर थियरी है वो आई, और इसके अंदर रिजेक्ट किया गया पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकॉटमी को. इन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को आप कंप्लीटली अलग नहीं कर सकते हो. साथ ही साथ इसके अंदर जो प्रिंसिपल्स थे जो सेकंड स्टेज में आए उनको मेयरली प्रोवर्ब्स कहकर उन्होंने कहा था कि मेयर प्रोवर्ब्स हैं वो. किसने कहा था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. फोर्थ स्टेज जो आती है वो है हमारी क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी. इसके अंदर क्या था कि अब फर्स्ट और सेकंड स्टेज तो रिजेक्ट हो गई है, तो अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंफ्यूज हो गया था कि वो एक्चुअल में है क्या, क्या वो अलग से डिसिप्लिन है कि अलग से डिसिप्लिन नहीं है. तो ये हो गई हमारी फोर्थ स्टेज. फिफ्थ स्टेज आती है हमारी 1970 से लेकर, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक पॉलिसी की स्टेज, जिसमें हम पब्लिक पॉलिसी की बात करते हैं. तो अब अगर हम ऑप्शंस को देखेंगे तो फर्स्ट इसमें आ गया हमारा पीरियड ऑफ डाइकॉटमी थ्री, उसके बाद आ गया ए फर्स्ट गोल्डन एरा ऑफ प्रिंसिपल्स, देन कम सेकेंड पीरियड ऑफ चैलेंजेस एंड क्रिटिसिजम्स, एंड देन कम फोर्थ पीरियड ऑफ क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी. तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया? ए. ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन.
Now the next is the emergence of NPA, that is New Public Administration, is associated with number 1, American Society of Public Administration, number 2, Comparative Administrative Group, number 3, Indian Institute of Public Administration, and D is Minnowbrook Conference. So very easy, aapko pata hi hoga, it is D, Minnowbrook Conference. Now the next is New Public Administration does not stand for. New Public Administration kiske liye nahi khada hota hai? A is Client Focus, B is Social Equity, C is Relevance, and D is Structural Changes in Administration. The answer is D, Structural Changes in Administration. Dekhi, basically these are themes jo ki New Public Administration mein di gayi thi. Kisne di thi? Frank Marini. Frank Marini the jinhone summarize ki thi jitni bhi themes thi New Public Administration ki. उन्होंने 5 थीम दी थी. नंबर 1 थी रेलिवेंस, नंबर 2 वाज वैल्यूज, नंबर 3 सोशल इक्विटी, नंबर 4 चेंज एंड नंबर 5 वाज क्लाइंट फोकस. तो इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन था, उसकी कोई बात हमारी नहीं हुई थी. तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज एंटी थ्योरेटिक, एंटी पॉजिटिविस्ट एंड एंटी हायरार्कियल. इनमें से कौन से है जिनको हम एंटी थ्योरेटिक, एंटी पॉजिटिविस्ट या एंटी हायरार्कियल बोल सकते हैं? नंबर ए इट इज कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, सी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डी इज ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. अगेन वेरी सिंपल, द आंसर इज सी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ये पता होना चाहिए कि ये जो थे ये तीन एंटी गोल्स थे. एंटी गोल्स मतलब कि किस चीज़ को वो रिजेक्ट करता है. तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनको रिजेक्ट कर रहा था. ये किसने दिए थे जो तीन एंटी गोल्स थे? ये रॉबर्ट गोलम्बिस्की ने दिए थे. रॉबर्ट गोलम्बिस्की ने ये दिए थे. Now the next question is what is the correct sequence regarding the evolution of the discipline of public administration? Use the codes given below. अब देखते हैं, मैंने आपको करवाया था पिछले क्वेश्चन में, आपको याद है कि नहीं? First, crisis of identity. Second, the era of politics administration dichotomy. Third, principles of administration. And fourth, focus on interdisciplinary studies. तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा second, the era of politics administration dichotomy. उसके बाद आएगा थर्ड प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, देन क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी फर्स्ट, एंड देन फोकस ऑन इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज. तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन बी, 2, 3, 1 एंड 4. आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा. नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट द मूवमेंट ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ द रिबिलियन ऑफ यूथ एंड द काउंटर कल्चर ऑफ द नॉन मार्क्सियन लेफ्ट. नाउ नेट के एग्जाम में कई बार ऐसे डायरेक्ट स्टेटमेंट्स आ जाती हैं कि इस टॉपिक के बारे में उन्होंने क्या कहा था, इस थिंकर ने क्या था. तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपने एक बार रीड करी होगी तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर लेंगे आंसर. तो ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो ये स्टेटमेंट है, ये दी थी ड्वाइट वाल्डो ने, जिन्होंने लीड किया था इस मूवमेंट को, ड्वाइट वाल्डो. तो इसका आंसर हो गया बी, ड्वाइट वाल्डो. हाँ जी, बी. नेक्स्ट इज ड्वाइट वाल्डो कॉल्ड न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज. ड्वाइट वाल्डो ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहा? ए न्यू कैथोलिसिज्म, बी न्यू रोमांटिसिज्म, सी न्यू ह्यूमनिज्म एंड डी न्यू सोशलिज्म. तो इन्होंने इसको कहा था न्यू रोमांटिसिज्म, ऑप्शन बी, न्यू रोमांटिसिज्म कहा था न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ड्वाइट वाल्डो ने. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सेकेंड जनरेशन बिहेवियरिज्म. इनमें से किसको सेकेंड जनरेशन बिहेवियरिज्म भी कहा जाता है? ए न्यू पब्लिक सर्विस थियरी, बी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, सी पब्लिक चॉइस थियरी एंड डी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सो द आंसर इज डी, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. किसने कहा था इसको सेकेंड जनरेशन बिहेवियरिज्म? फ्रेडरिकसन ने कहा था. फ्रेडरिकसन थे जिन्होंने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सेकेंड जनरेशन बिहेवियरिज्म कहा था. सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. Thank you for watching. If you found this video helpful, then do like and share this video and subscribe to our channel, Miraki YouTube. Also hit the bell button to get notified as soon as a new video is uploaded. Till then, stay tuned.